अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो एक फरमाइशी वीडियो है। इससे पहले हमने एक कटवर्क वीडियो बनाई है जिसमें गाइडों की सेटिंग, कटवर्क पीको की सेटिंग बताई है कि कटवर्क पीको कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग करके दिखाई है और कटवर्क पीको कैसे करते हैं वो भी दिखाई है, बना करके भी दिखाई है। लेकिन एक भाई का कमेंट आया है कि मेरा मोटा कपड़ा है उसके ऊपर कटवर्क पीको नहीं बन रही, तो उस भाई के लिए ये वीडियो है ख़ास तौर पर, ताकि बड़े गौर से ये वीडियो देखनी है आपने। इसमें क्या मसला आ रहा है आपका, आपकी मशीन अगर जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ आपको उसके मुताबिक है, अगर तो उसके मुताबिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप उसके मुताबिक इसकी सेटिंग बना लें। दो तीन पॉइंट्स उस वीडियो के अलावा भी आपको बताऊँगा, आपने वो भी देखने हैं, बड़े गौर से देखनी है ये वीडियो, लास्ट तक देखनी है आपने ये, ठीक है। ये वीडियो उन भाई के लिए ख़ास तौर पर है और जो नए वीडियो देखने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अहम है। आज की वीडियो कटवर्क वीडियो कटवर्क पीको के बारे में है ये, कि कटवर्क पीको की सेटिंग कैसे करते हैं और उस पीको को करते कैसे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को, हमारा नहीं चैनल ये आप सबका चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपकी सहूलत के लिए है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कटवर्क पीको, वो भाई के कमेंट थे कि अंदर वाली जो नीडल है उसका धागा बार बार टूट रहा है, तो प्यारे भाई आपने सबसे पहले देखना ये है कि वो नीडल आपकी ठीक है, उसकी जो नोक है वो ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब है तो सबसे पहले आप उसकी नीडल चेंज करें। दूसरे नंबर पर जो उसकी गाइडें हैं, जो मैंने दो गाइडें बताई थी छोटी और बड़ी, क्या वो उस सेटिंग के मुताबिक है। वीडियो बनाकर भी आपको दिखाता हूँ अपनी मशीन के भी कि इसके मुताबिक है, अगर नहीं है तो उसके मुताबिक बनाएं। तीसरे नंबर पर है आपकी एक्सटेंशन। आपने जो एक्सटेंशन दो हैं, एक लुपर वाली छोटे लुपर की और एक बड़े लुपर की, और दो एक्सटेंशन हैं नीडलों की, नीडलों की जो आपने सेटिंग बनानी है वो है नॉर्मल हालत में रखनी है, और जो छोटी लुपर की है एक्सटेंशन वो आपने थोड़ी सी टाइट रखनी है। अगर आपका मोटा कपड़ा आता है तो आपने मोटे कपड़े के हिसाब से उसकी सेटिंग बना लेनी है। बनानी कैसे है, आपका जो बड़ा लुपर है उसकी आपने सेटिंग करनी है थोड़ी सी लूज़, और जो है छोटा लुपर उसकी कर देनी है थोड़ी सी टाइट, और नीडलों की आपने नॉर्मल हालत में रखनी है। अगर ये भी आपकी सेटिंग बिल्कुल उसी मुताबिक है तो फिर आपने करना क्या है, तो प्यारे भाई आपने करना क्या है, आपने फिर ये जो दो धागे आ रहे हैं ये दो कोनों के, इस पर आपने सरसों का तेल इस्तेमाल कर लेना है। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है, पूरी कोन के ऊपर आपने ये लगाते जाना है सरसों का तेल, ठीक है, जो हमारी नीडलों में धागा इस्तेमाल होता है। ये देखें, इन दोनों पर तेल लगाने के बाद, अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरसों का ये तेल है, अगर ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो फिर ये इस्तेमाल करें। इसके बाद आप आ जाएं गाइडों की तरफ। आपकी आसानी के लिए मैंने चार कलरों में मुख्तलिफ धागे इस्तेमाल किए हैं, रेशमी धागे ये हैं ये सारे। ये रेड कलर का जो है ये बड़े लुपर में इस्तेमाल किया है, और ये आगे आ गया कलेजी कलर का, ये मैंने किया है छोटे लुपर में इस्तेमाल, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये मैंने किया है गोल्डन कलर का, आपकी जो नीडल का धागा तोड़ रही है अंदर वाली उसमें इस्तेमाल, ठीक है। और ये धागा जो है जामनी कलर का, ये आ गया आपकी बाहर वाली जो नीडल है उसमें, ठीक है। नीडलें दो इस्तेमाल होती हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। अब आ जाए आपको गाइडों की सेटिंग बता दूं कि गाइडें आपकी ठीक है। ये देखें, ये एक बड़ी गाइड है, इसका वाया जो है ये आ रहा है इस पटरी से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, और ये जो छोटी गाइड है ये ऊपर इतना गैप है इसका, इसका और इसका। अब इसको मैं बड़ी गाइड के ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखें ये इधर आ रही है और छोटी इधर आ रही है। आप इस तरह की सेटिंग बना लें। सबसे पहले आपकी ये जो गाइड है आपने अगर नीचे है इसको ऊपर कर दें, ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये जो वाली ये नीडल है, ये धागा तोड़ ही इसलिए रही है क्योंकि इसका कसूर है। इसका कसूर नहीं, कसूर आपकी ये जो बड़े लूपर का धागा है इसका भी हो सकता है, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो इसके साथ है, अंदर वाली जो नीडल है इसके साथ इसका कनेक्शन है। शायद के ये जो मसला है ये आ रहा हो आपकी जो, इसलिए बार बार धागा तोड़ रही है आपकी नीडल जो है ये वाली, शायद के बड़े लूपर का मसला हो। तो आपने अगर आपकी गाइड नीचे है तो आपने ऊपर कर दें, ठीक है। बाकी ये देख लें सेटिंग जो है मेरी मशीन की इस तरह की है, आप भी इस तरह की कर लें। अगर है इस तरह की तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस तरह की कर लें। तो इसके बाद आप आ जाएँ ये जो दंदाल पट्टी है ये वाली, अगर आपकी ये दंदाल पट्टी मुलायम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसे मुलायम करें। ये ब्रीक पट्टी आपकी इस्तेमाल होगी, अगर ज़्यादा आप मोटा कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी चौड़ी इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके बाद ये जो दो नीडलें हैं, नीडलें पहले भी आपको बताया कि नीडलें जो हैं वो दोनों सही होनी चाहिए, न्यू हो नीडलें, कोरिया की अच्छी कंपनी है उसकी नीडलें इस्तेमाल करें आप। अब आ जाएँ एक्सटेंशनों के बारे में बताऊँ आपको, ये एक्सटेंशनें हैं दो, ये जो हैं दोनों एक्सटेंशनें ये नीडलों में इस्तेमाल होती हैं, इनको आपने नॉर्मल हालत में ही रखना है। और इसको सरसों का, इन दोनों धागों को आपने सरसों का तेल लाजमी लगा लेना है, ठीक है। जब आपने कठवर पीको करनी है या किंगरी वाली पीको करनी है या कोई और डिज़ाइन बनाना है तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें। इसके बाद आप आ जाएँ ये जो गाइड है ये वाली छोटे लूपर वाली, ये देखें ना छोटे लूपर में इस्तेमाल हो रही है ये वाली गाइड जो है, वो कलेजी कलर का धागा है ये, छोटे लूपर में जा रहा है ये देखें, ठीक है। तो इसको आपने टाइट रखना है, थोड़ा सा टाइट, और ये जो है बड़े लूपर वाली इसको आपने लूज रखना है, इसको आप लूज रखें, इसको आप टाइट रखें, ठीक है। ये काम मुकम्मल करने के बाद अब मैं आपको पिको करके दिखाता हूँ कि ये पिको ठीक हो रही है मेरी, ठीक है। तो इसके बाद आप भी करके देखें, ये मेरे पास एक कपड़ा है मैंने लिया है ये आम हालत से, जो हम दुपट्टे पे पिको करते हैं उसे थोड़ा सा मोटा है ये स्टफ़ ना, थोड़ा सा मोटा है, आपकी सहूलत के लिए लिया है, क्योंकि आपका कमेंट था कि ये जो कपड़ा आ रहा है मेरे पास मोटा, उस पर कटवर पिको अच्छी नहीं बन रही, ठीक है। तो आपकी सहूलत के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, मोटा है ये, इस पर करके दिखाऊंगा। आपने करना क्या है, आपने अपने दुपट्टे के ऊपर सबसे पहले ओवल आग कर लेनी है। ओवल आग का फ़ायदा पता है आपको या नहीं पता तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो धागा फालतू हो, जो धागा फालतू हो, एक तो कान निकल जाती है कपड़े के अंदर जो होती है दुपट्टे के, और दूसरा जो फालतू धागा है वो नज़र नहीं आता है, ओवल आग जो कटिंग के बाद महफूज कर लेती है, इसे ला कर देती है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कटवर्क पीको, तो ये देखें ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये जो कपड़ा है ये चेक करें, ये कटवर्क पीको मैंने कर लिया, ये आपको समझा दूं। अब ये देखें ये जो जामनी कलर का धागा है ये आ रहा है हमारी इस वाली नीडल में, और आगे आ गया कलेजी कलर का धागा वो ये है, ठीक है, छोटे लूपर का। आगे आ गया हमारा जो आप बता रहे थे कि हमारा धागा बार बार टूट रहा है वो ये है अंदर वाली नीडल का, ठीक है। ऊपर जो धागा आ रहा है रेड कलर का वो बड़े लूपर का इस्तेमाल हो रहा, आपने ये निशानी होगी आपके पास, आपने देखना यह है कि हमारा धागा कोई लूज या टाइट तो नहीं है। ये देखें ये नीचे वाली साइड है इसकी जामनी कलर नज़र आ रहा है, ये मैंने लूज रखा है धागा इस वाली नीडल का, और सेंटर वाली जो अंदर वाली नीडल है उसका भी मैंने लूज रखा है धागा, ये चेक करें। आपने इस तरह की सेटिंग बना लेनी है, ये चेक कर लें दोनों साइडों से, मेरी मशीन ने कहीं पर भी कोई टाप या धागा नहीं तोड़ा, आप चेक कर सकते हैं, ये देखें।
अगर आपकी मशीन जो कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा ही मोटा आ रहा है, तो आप करें क्या, आप उसका दबा, ये वाला जो दबा है, ये जो कपड़ा अंदर जा रहा है, ये वाला, ये जो दबा है, ये देखें, ये दबा ले रही है मशीन, इस पे दबा नहीं आता इस तरह से, इस तरह जब आप करेंगे ये दबा अंदर जा रहा है, ये आप ना थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें और ऊपर थोड़ा सा ले जाएं, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दें, इस तरफ को थोड़ा सा बढ़ा दें, और ये जो दबा ले रही है, ये वाला, ये आप थोड़ा सा कम कर दें तो फिर भी फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। और ये वाली नीडल जो है, इसका धागा आपने लूज़ रखना है, और इसको भी लूज़ रखें, नीडलों का धागा लूज़ रखना है और इसे भी लूज़ रखना है। ये जो है बड़े लूपर, छोटे लूपर वाली, इसको आप टाइट रखें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो आपका मसला आ रहा है इंशाल्लाह हल हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी लाजमी किया करें। अगर हमारे हमारी वीडियो को आप न्यू देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मेरे भाई को अगर फिर भी समझ या किसी और भाई को समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर व्हाट्सअप मौजूद है, उसमें आप वीडियो बनाकर अपना नाम, एड्रेस, दुकान का नाम बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।